लाइक एंड सब्सक्राइब टू इंडो पाकी न्यूज़। तो दोस्तों, आज हम जिस शख्स के बारे में बात कर रहे हैं वो है जैद हामिद। जी, आपने बिल्कुल सही सुना, जैद हामिद, जिसको भारत में लाल टोपी के भी नाम से जाना जाता है। और ये बंदा दिन भर टीवी न्यूज़ चैनलों पे बैठ के केवल भारत को कोसता है और गालियाँ देता है। ये बंदा अपनी ही हुकूमत को गालियाँ देता है। ऐसा नहीं है कि ये केवल सिर्फ भारत के लोगों को या भारत की हुकूमत को गाली देता है या सिर्फ नरेंद्र मोदी को ये गाली देता है। ये वहाँ पैनलिस्टों के साथ बैठता है टीवी न्यूज़ चैनल पे। आए दिन आपको अक्सर इसकी वीडियोस देखने को मिल जाती होंगी। हमारे चैनल पे भी इसको लेके काफ़ी वीडियोस अपलोड की गई हैं। आप लोगों का काफ़ी प्यार मिला, आपने वीडियोस को बहुत पसंद किया, अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, तो मुझे लगा कि इस बंदे के ऊपर हमें वीडियो बनानी चाहिए और आप लोगों को इसके बारे में और अधिक बताना चाहिए कि आखिर ये बंदा है क्या और ये करता क्या है, दिन भर इसका काम क्या है, आखिर ये वहाँ रह के वहाँ की आम लोगों के प्रति, भारत के लोगों के प्रति या भारत की सरकार के प्रति इसकी सोच क्या है। क्योंकि आज ये बंदा जिस तरीके से इंडिया में फेमस है, लोग इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं कि ये क्या करता है दिन भर बैठ के। तो दोस्तों, आज हम आपको इसी के बारे में बताएंगे। इसका नाम है जैद हामिद और ये लाल टोपी के नाम से दोनों ही देशों में जाना जाता है। दोस्तों, इसकी बस एक ही विशेषता है, ये दिन सुबह उठता है तो बस न्यूज़ चैनलों पे बैठ जाता है और भारत को गालियां देता है, भारत के बारे में अपशब्द कहता है। अक्सर बात ये है दोस्तों कि वहाँ की जो लोग हैं या वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो इसको कोई भी सीधे मुंह नहीं लेती या सीधे हाथ नहीं लेता, यानी कोई इससे बात भी नहीं करना चाहता वहाँ पे। ये सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए न्यूज़ चैनलों पे जाता है और भारत के खिलाफ अपनी एक प्रोपेगेंडा चलाता है, अपनी एक राजनीतिक दृष्टि रखता है और लोगों को बैठ के सुबह शाम गालियाँ देता है। इसके पास और कोई काम नहीं है, ये पाकिस्तानी आर्मी को भी किसी तरह से सपोर्ट नहीं करता है। हाँ, अगर मैं ये कहूँ कि आतंकवादियों को सपोर्ट करता है, भारत के खिलाफ गजवाए हिंद की बात करता है, तालिबान की बात करता है और भी कई तरह की गतिविधियों की बात करता है जो शायद भारत के लिए सही नहीं है और किसी भी तरह से किसी भी इंसानियत के लिए सही नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं, इस समय भारत में बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार है और ये पिछले काफ़ी सालों में बहुत ही ज़्यादा आगे निकल गए हैं अदर पार्टियों की अपेक्षा में। लोगों की अपेक्षाएं मोदी से आज के डेट में बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। लोग चाहते हैं कि मोदी पाकिस्तान को उसी की भाषा में जवाब दें, लाल टोपी को उसी की भाषा में जवाब दें। ये बात अलग है कि लाल टोपी मोदी के सामने कुछ भी नहीं है, मोदी की तो बहुत बड़ी चीज़ हो गई, यहाँ के एक छोटे से सिपाही के सामने भी वो कुछ नहीं है। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि लाल टोपी पूर्व पाकिस्तानी कमांडर रह चुका है पाकिस्तानी आर्मी का, लेकिन इसके बावजूद उसके दिल में ना तो देश के लिए कोई प्रेम है, ना किसी व्यक्ति के लिए कोई प्रेम है। वो केवल अपनी झूठ और नफरत की राजनीति करना जानता है, उसे किसी से कोई लेना देना नहीं है। भारत में बस उसका एक ही प्रोपेगेंडा है, वो है किसी भी तरह से भारतीय लोगों को नुकसान पहुँचाना, भारतीय सरकार को नुकसान पहुँचाना, भारतीय आर्मी को नुकसान पहुँचाना। जैसा कि आप जानते ही होंगे कि 2015 में जैद हामिद एक बार सऊदी अरेबिया गया था और उसे वहाँ किसी इन्वेस्टिगेशन में फंसा दिया गया था, जिसके बाद जैद हामिद को 8 साल की जेल हुई थी और वो बंदा उसे कोर्ट की तरफ से 1000 कोड़े मारने के आदेश दिए गए थे। किसी तरह वो सऊदी अरेबिया से तो अपनी जान बचा के भाग निकला, लेकिन उसे वो दिन शायद अब याद नहीं जो 2015 ने उसने सऊदी अरेबिया में देखे थे, लेकिन वो सब भूलने के या शायद जानबूझ के भूलने की कोशिश कर रहा हो, लेकिन फिर भी जो नफरत की आग है उसके अंदर, जो भारत के खिलाफ या अन्य देशों के खिलाफ है। कभी भी आपने देखा होगा सऊदी अरेबिया के खिलाफ जैद हामिद कुछ नहीं बोलता, इसके पीछे मेन बस एक ही कारण है कि सऊदी अरेबिया ने जो उसके साथ जो उसका हश्र किया था वो उन दिनों को आज तक वो भूल नहीं पाया होगा। आशा करता हूँ कि हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये इन्फॉर्मेशन आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। और अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो हमें लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि हमारे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो सच में अच्छा लगा हो तो हमें और ज़्यादा कमेंट करें ताकि हम और ऐसी वीडियोस आपके लिए लाते रहें।